कृपा इतना ना करना प्रभु जी, सर चढ़ जाऊं बन के फूल, दया इतनी कर दे स्वामी, सदा रहूं चरणों की धूल। सुरपति नरपति नागपति व्यालपति सुख धाम, उमापति कैलाशपति पशुपति तुम ही प्रणाम, सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभापति तुलसीदास की जय। छत्तीसगढ़ अंचल के रहैया, गवई गांव के बसैया, रामायण गीता के सुनैया, धर्म के रद्दा में चलैया, जम्मो नर नारी मल्ला सादर जय जोहार है। आवो आप मल्ला राम जन्म के पावन प्रसंग की ओर ले चलाऊं, काबर जिन राम के कथा लाज दुनिया गावत है सुनत है, ओकर नता ये छत्तीसगढ़ के माटी ले जुड़े हवा है। केहे घलो है कि छत्तीसगढ़ के सिहावा डोंगरी जहाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम है, अमृत कस पावन निर्मल जहाँ महानदी के उद्गम है, छोटे छोटे गांव बसे सब महानदी के खड़ है, प्रेम प्यार सहकार भरे सुंदर मोर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के माटी ले राम के नता जुड़े हवे, हमू मन छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म ले हन, हमरो भाग्य ला धन है, तो छत्तीसगढ़ ही बोली में ही राम कथा ला कहे बर जावत हूँ। काबर कोनो कवि कहे हवे कि जियाओ मुड़ी उठा के और रेंगाओ छाती ठोंक, पढ़ाओ लिखाओ सुनाओ गुनाओ छत्तीसगढ़ ही गोठ, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिंवरा रंग मटासी, गुर मटिया के मोटहा चाउर गजब मीठा थे बासी, साग मजे से जिमी कांदा औ अम सुरहा कढ़ी है, वैसने अड़बड़ मायारू मोर ए भाखा छत्तीसगढ़ ही है, ए भाखा छत्तीसगढ़ ही है। हिंदी हमर भारत माता के मात के बिंदी है, तो छत्तीसगढ़ ही बोली हमर दाई के ओंट के हाँसी छिठोली है। यही राम के कथा ला भैया भगवान शंकर है तो उन कैलाश पर्वत में बैठ के माता पार्वती ल सुनाइस, माता पार्वती ये कथा ल पूछिस। पार्वती कहे थोकिन सुन तो हो भोला, एक ठिन बात कते तोला, और रीस झन करबे स्वामी डर लागथे मोला। भगवान शंकर कथे अब वो गणेश के दाई का बात तेला बताना, वो नारी पुरुष तो हावन तय थोर को झंडर राना, वो जोड़ी बना है भगवान है दुख सुखला बांटे बार, और तोर मन के जम्मो बातला मोला कही डर, का बाते बता पार्वती की। पार्वती कथे स्वामी रात दिन तुम्हार राम राम जपत रहे था, राम हम और इष्ट देव कहके मोला कही था, जेकर कारण दुनिया भर के सुख स्वारत ला त्याग दे हो, सोवत जागत उठत बैठत राम नाम ला रट ले हो, यही राम हा कौन है तेला बने मोला बता देते हो, निचट अढ़ी हम भोला मोला ढंग लगा के समझा देते। भोलेनाथ कथे पार्वती सिरतन में वो अबला मन के अक्कल हा थोरेच कन रही थे, और छोटे छोटे बात में भरम करत रही थे, जिन राम के कथा ला रोज तोला सुना था, बैया बन के नाचत रही था, स्वामी राम के गुण लगा था, मोर हृदय में निवास करैया यही राम भगवान हरे, जगत के पालन करता और हर प्राणी के प्राण हरे, राम के कृपा बिना यहाँ एक पत्ता घलो नहीं डोले, चिरई करे ना चीव जगत में ना कोई मानुष बोले, हरी इच्छा के बिना यहाँ एक फूल घलो नहीं खिले, भजन बिना भगवान के मुक्ति कोनो ल नहीं मिले, तेकरे से ते रात दिन तोला समझा था वो वढ़ी, लगन लगाए ले घाते मीठा थे राम नाम के कढ़ी, राम नाम के कढ़ी, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हृदय लक्ष्मी जय तुलसी के वाणी,
जब मोला भाएगा राम के कहानी हृदय लछुई जाए तुलसी के वानी जब मोला भाएगा राम के कहानी बड़े बड़े पत्थरा बड़े बड़े पत्थरा होए पानी पानी हृदय लछुई जाए तुलसी के वानी जब मोला भाएगा राम के कहानी हृदय लछुई जाए तुलसी के वानी जब मोला भाएगा राम के कहानी सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी चंदाल जैसे गला के चकोरी राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी चंदाल जैसे गला के चकोरी राजा जनक ससुरा राजा जनक ससुरा और सासु नयन रानी हृदय लछुई जाए तुलसी के वानी जब मोला भाएगा राम के कहानी हृदय लछुई जाए तुलसी के वानी जब मोला भाएगा राम के कहानी सबरी के माया और केवटा के प्रेम सबरी के माया और केवटा के प्रेम गिधवा के भक्ति और कागा के नेम सबरी के माया और केवटा के प्रेम गिधवा के भक्ति और कागा के नेम शिव शंकर बोले जिला सुनत हे भवानी हृदय लछुई जाए तुलसी के वानी गजब मोला भाएगा राम के कहानी हृदय लछुई जाए तुलसी के वानी गजब मोला भाएगा राम के कहानी बड़े बड़े पत्थरा बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी हृदय लछुई जाए तुलसी के वानी जब मोला भाएगा राम के कहानी हृदय लछुई जाए तुलसी के वानी जब मोला भाएगा राम के कहानी हृदय लछुई जाए तुलसी के वानी जब मोला भाएगा राम के कहानी जब मोला भाएगा राम के कहानी जब मोला भाएगा राम के कहानी जब जब हो धर्म के हानि बढ़ रही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा ए पार्वती जब जब धर्म के हानि होते बड़े बड़े असुर अभिमानी होते साधु संत मल्ला सताए पर थे धरती माता पाप के भार से गरुआज थे चारों डहर हाहाकार मच जथे तब ईश्वर के अवतार होते भगवान जब धरती में अवतार लेके आते तो अपन भक्त मन के दुख ला पीरा ला दूर करते और धर्म के ध्वजा ला दुनिया में फहराते वैसे ही एक अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर में
परमात्मा है तन जन्म लेके आई। अयोध्या काला कहते थे, जहाँ योग यज्ञ ध्यान याचना पूजा पाठ हुआ थे तौने अयोध्या कहे जाते। अब जहाँ योग याचना हुआ थे पूजा पाठ हुआ थे, अरे वहे तो भगवान के आगमन होते अवतार होते। दशरथ जिन अपन दसों इंद्रिय ल वश में कर लेते, भोग ल छोड़ के रात दिन जोग में लग जते, पूजा पाठ में लग जते, तेकरे घर में भगवान के अवतार होते। और सच बात है, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं होवे, लगन बिना नकाम, प्रेम बिना भक्ति नहीं मिले, भक्ति के बिना राम। देह के बिना कर्म नहीं होवे, कर्म के बिना पूजा, पूजा के बिना प्रभु नहीं मिले, लाख जतन कर दूजा। भैया आज अयोध्या में जब तब पूजा पाठ होत है, पूजा के अर्थ का होते अपन आप ल पूरा जानना, पू यानी पूरा और जा यानी जानना। जब तक हम अपन आप ल पूरा नहीं जाने हैं, हमर जिंदगी में भगवान नहीं आवे। एक आदमी गणेश भगवान के पूजा करे, काबर गणेश सबले बड़े देवता है, ऐसे कह के उकरे पूजा करे। पर एक दिन वो पुजारी देखते का कि गणेश जी के मूड़ में सहिज के मुसुआ चढ़ गया है, और ओकर मुड़ ले हाथ में उतर के ओकर लड्डू लखात रहा है। पुजारी सोचते भगवान मैं तो एक गणेश देवता बड़े हो ही कहत रहे हूँ, लेकिन नहीं, एकले बड़े ते मुसुआ हरे, तभी तो कर हाथ के लड्डू ला झड़ा थे। अब गणेश भगवान ठेलहा है तो नहीं, मोला बड़े के पूजा करना है। वो दिन ले गणेश के पूजा करना छोड़ दी, सब वो मुसुआ के पूजा करे। दुए चार दिन होए रही से मुसुआ के पूजा करे, एक दिन वो मुसुआ ला बिलई झपड़ दी। पुजारी सोचते देख तो यहाँ तो एक से बढ़ के एक है, गणेश ले बड़े मुसुआ, मुसुआ बड़े बिलई हो गए, तो का करे। वो दिन ले वो बिलई के ही पूजा करे। कुछ एक दिन होए रही सोला बिलई के पूजा करत, एक दिन वो बिलई ला कुकुर हबक दिस। वो आदमी सोचते हे भगवान सबले बड़े कते हरे तेला इकट्ठा बताना, यहाँ तो एक से बढ़ के एक हवे, अब का करे। वो दिन ले वो कुकुर के पूजा करे, सुबह शाम बांध के ओकर आरती उतारे, तिलक लगाए, प्रसाद चढ़ाए, अब बाकी समय वो कुकुर लड्ढील दे। एक दिन वो कुकुर है घर ल सुनना देखे, तो रन्नी कुरिया में खुसर गए, हड़िया कुड़ेरा डहर मुँह ला मारत रहे। पुजेरी के माई लोग इन देख डारिस, धरिस लाठी ला दो तीन लाठी फटकारी सो कुकुर ला, काई काई करत भागी सो कुकुर हा। पुजारी देख परी सोचते देख तो भगवान घर में नांग देव भिमभोरा पूजेल जाए, मैं दुनिया भर बड़े देवता खोजा थे, बड़े देवता मोर घरे में है, कुकुर ले बड़े हो ही कहत रहे, लेकिन नहीं, ओकर ले बड़े तो मोर माई लोगिन हरे। वो दिन ले वो अपन माई लोगिन के पूजा करे, सुबह शाम कुर्सी में बैठा रहे, आरती उतारे, तिलक लगाए, प्रसाद चढ़ाए, और बाकी बेरा बिचारी घर के काम बुताल करे। एक दिन पति पत्नी में कहीं बात ल लेके झगड़ा हो गए, और नारी परानी मन है ज्यादा पेल घलो देते, जिद घलो कर देते। पुजारी के माई लोगिन घला ज्यादा जिद कर देस, पुजारी के गुस्सा चढ़ गए, दो चार रह पट अपन माई लोगन ल मार दिस। मारे के बाद में सोचते अरे मैं अपन पत्नी ल बड़े हो ही कहत रहे, लेकिन नहीं, होकर ले बड़े तो मैं ही हरा, काबर बोला मैं मारे हैं। तो वो दिन ले अपने पूजा शुरू कर दिस, अपने आरती उतारे, अपने तिलक लगाए, अपने प्रसाद चढ़ाए, वो अपने वो प्रसाद ल खाए। अब अपने पूजा करते करते बोला आत्मज्ञान हो गए, बोला पूरा जानकारी हो गए, पू यानी पूरा और जा यानी जानना, अपन आप ल पूरा जानना, मैं तो ईश्वर के संतान हूं। जब बोला जानकारी हो गए तब वो परमात्मा में लीन हो गए। महाराज दशरथ घलो अपन आप ला जान चुके हैं, दसों इंद्रिय ला भोग विलास से हटा करके जोग साधना में लगा दे है, तेकर सेती आज भगवान है तनो कर घर में जन्म लेके आ गए है। अयोध्या के वातावरण ही आज बदल गए है, सरयू मैया के जल हिलोरा लेवत है, पनिहारी मन पनघट में इतरावत है, मंदिर में घंटा संग सुनावत है, ब्राह्मण मन वेद पाठ करत है, चारों डहर वातावरण पवित्र है। ऐसा शुभ अवसर में ईश्वर के अवतार होते गोस्वामी जी महाराज कही थे घलो अवधपुरी के राज महल मा,
अवधपुरी के राजमहल मा जन्मे चार भैया। अवधपुरी के राजमहल मा जन्मे चार भैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल मा जन्मे चार भैया। अवधपुरी के राजमहल मा जन्मे चार भैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। अवधपुरी माँ आनंद छागे घर घर बाजे बधाई। अवधपुरी माँ आनंद छागे घर घर बाजे बधाई। सरयू मैया लेवै हिलोरा पवन चले पुरवाई। सरयू मैया लेवै हिलोरा पवन चले पुरवारी। आनंद मगन दशरथ राजा। मगन दशरथ राजा हंसे तीनों मैया। अरे हंसे तीनों मैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। नर नारी मन नाचे गावे फुलवारे बरसावे। नर नारी मन नाचे गावे फुलवारे बरसावे। बीना धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे। बीना धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे। बीच अंगना मा नाचत हावे। अंगना मा नाचत हावे। जग के नाच नचैया। अरे जग के नाच नचैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल मा जन्मे चार भैया। अवधपुरी के राजमहल मा जन्मे चार भैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया थैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। सब नाचे झमाझम ता थैया थैया। सब नाचे झमाझम सियावर राम चंद्र की जय। सज्जनों, निर्गुण निराकार ब्रह्म आज सगुण साकार रूप लेके आ गए। महाराज दशरथ की अंगना में खेला थे। गोस्वामी जी बाबा कही थे, धरती के तोर खेती डोली अंबर है घर द्वार गे। तोरले बढ़ के दुनिया मा ओ कौन माल गुजार गे। ओ कौन माल गुजार है।
नदिया नरवा गांसा मुहिए पर्वत मिड़ पारे चंदा सूरज तोर दोनों बैला बड़ तगड़ा होशियार है तोरले बड़ के दुनिया में माल गुजार है। ब्रह्मा खावे तोर सौंजिया अज विष्णु हा रखवार है सब फसल के तोर लुवैया शंकर ठेकादार है तोरले बढ़ के दुनिया माँ कौन माल गुजार है। यमराजा तोर बोरा धरैया धर्मराज तौलैया है दुनिया भर के जीव जंतु मन तोर घर भीख मंगैया है जौने आथे मन भर पाथे अग खुल्ला तोर द्वार गे तोरले बढ़ के दुनिया माँ माल गुजार है। धरती जेकर खेती खार है आसमान जेकर घर द्वार है सूर्य चंद्रमा जेकर जोड़ी बैला है ब्रह्मा विष्णु महेश जेकर घर के सौंजिया है 33 कोटि देवता जेकर नौकर चाकर बनिहार है संसार में जते भी जीव है जेकर द्वारी में झोली फैलाए खड़े है भीख मांगत आज वो दुनिया के मालिक है तो कौशल्या के गोदी में पड़े हैं। चार बेटा है तो आज दशरथ के अंगना में खेला थे जैसे जैसे खीर खाइन तैसे तैसे चारों माता मन है तो पुत्र ला जन्म देन पुत्र यश यज्ञ करी इस यज्ञ में आहुति परिस अग्निदेव है तो चरु लेकर के प्रकट हो गए वो चरु में खीर रही से वो खीर ला बाटिस महाराज दशरथ आधा भाग ला कौशल्या ला देश तेकर ले आधा भाग ला कैकेयी ला देश औ बांच गए बिल्कुल शेष तेला सुमित्रा ला देश तेकर सती कौशल्या के बेटा राम हो गए कैकेयी के बेटा भरत हो गए सुमित्रा के बेटा शत्रुघ्न और लक्ष्मण हो गए। चारों राजकुमार धीरे धीरे बाढ़े लागे प्रातः काल उठ जाए माता पिता और गुरु के चरण में प्रणाम करे और पिता के आदेश लेके माता पिता गुरु के आज्ञा के पालन करे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा। आज समय कतेक बदल गए भैया पहले जमाना में मुंधरहल सब उठ जाए लेकिन आज आज तो बेरा पहाज थे 8 बजे थे तब होले उठे के नाम नहीं ले बड़े बिहानिया ले उठ के डोकरा बैला लकोड़ा भूसा देवा थे त घर के नगरिया बेटा भी खटिया में खर्राटा लेवा थे। बड़े बिहानिया ले डोकरी दाई बर्तन भाड़ा ल मांजा थे तब बहुरिया बिचारिया भी फुसुर फुसुर नींद भांजा थे। उठाए लाग थे उठना का बेटा रात पहागे बेरा हो गए तब काक थे अभी तो कुकरा बासे नहींगा कुकरा ला बासन देखे थे। अरे कुकरा रहे तौन तो बास है ना आज आदमी मन के मारे कतको कुकरा है नहीं पूरा थे छठ के बिर एक आठन बाँच गए तो कुकरा घलो नमक हराम हो गए 11-12 बजे दिन में बास थे ओकर भरोसा में सुते रहिए तो सुते रहिए। तो आज के जगाने वाला संत महात्मा हरे भैया वेद पुराण शास्त्र हरे ये वेद पुराण शास्त्र ला पढ़ के सुन के जिन हाँ जाग गे तौने हाँ जाग गे ओकर भाग है जाग गे। आज भी ये धरती ला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे सपूत के आवश्यकता है सपूत के जरूरत है विल कहते घलो आज हमर देश ला सपूत के जरूरत है आज भारत माता ला सपूत के जरूरत है। कैसना सपूत के तो दशरथ जैसे प्रण करैया कौशल्या कस वचन देवैया कई कई का स्मरण करैया और सुमित्रा का दुख सहैया सऊत के जरूरत है आज हमर दाईला सपूत के जरूरत है। राम जैसे आज्ञाकारी भरत जैसे न्यायकारी लक्ष्मण जैसे व्रतधारी शत्रुघ्न जैसे सत्यधारी हनुमान का आज्ञाकारी दूत के जरूरत है आज भारत भूमिला सपूत के जरूरत है आज भारत भूमिला सपूत के जरूरत है सपूत के जरूरत है। रात पहाए सो सो के औ दिन बिताए खाए रात पहाए सो सो के औ दिन बिताए खाए
हीरा जन्म ला बिरथा खोए, मानव तन ला बिरथा खोए, बांधे अम्पुर जाए रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। नारी बने मंदारी तोला बिंद्रा नाच नचावेगा, बिंद्रा नाच नचावे। नारी बने मंदारी तोला बिंद्रा नाच नचावेगा, बिंद्रा नाच नचावे। माया की डोरी बारा कोरी घेच मतोर बंधावेगा, घेच मतोर बंधावे। माया की डोरी बारा कोरी घेच मतोर बंधावेगा, घेच मतोर बंधावे। काम धेनुला छोड़ के गदही के सेवा बजाए, काम धेनुला छोड़ के गदही के सेवा बजाए। चन्नी माता दूध दुहे औ, चन्नी माता दूध दुहे औ, करमला दोष लगाए रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय गा नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय गा नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। आनी बानी रंग रंग के ते खेले खेल तमाशा जी, खेले खेल तमाशा। आनी बानी रंग रंग के ते खेले खेल तमाशा जी, खेले खेल तमाशा। बांध के बांधे रही जागी तोर मन के अधूरा आशा जी, मन के अधूरा आशा। बांध के बांधे रही जागी तोर मन के अधूरा आशा जी, मन के अधूरा आशा। कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगाए, कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगाए। गैया के पूछी ल त्याग के, गैया के पूछी ल त्याग के, कुतिया के पूछी जमाए रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। रात पगाए सो सो के औ दिन बिताए खाए, रात पगाए सो सो के औ दिन बिताए खाए। हीरा जन्म ला बिरथा खोए, मानव तन ला बिरथा खोए, बांधे अम्पुर जाए रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान अनादि पुरुष है, अवतारी पुरुष है, तेकर स्थिति यज्ञ के माध्यम से प्रकट हुई। सोला यज्ञ पुरुष के हेजा थे, यज्ञ में आहुति परिस और यज्ञ के द्वारा फिर भगवान के प्राकट्य होते।
राम जी के जन्म अयोध्या में लोटा के माध्यम से होते तो आदिशक्ति जगदम्बा भवानी सीता के जन्म जनकपुर में हड़िया के माध्यम से होते। ईश्वर जब भी धरती में आते अपन शक्ति ल लेके आते। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो तरिय मोर यह माया। ये भगवान के माया है आदि शक्ति है जिन्हें राम के लीला में सहयोगी बनेवर आज जनक जी के घर में जन्म लेके आ गया है। बहुत सुंदर गाथा है कर राजा जनक के राज में कई साल ले परिस दुकाल। दुख के मारे जनता मन के हो गए बारा हाल। चारों ढहर अंधियारी हो गए राज है पानी बिना। जनता मन सब छाती पीटे मुश्किल हो गए जीना। नदिया नरवा तरिया डबरी चारों ढहर के सुखा गए। रुख राई मन जर के मर गए मनखे मन आई लागे। कोनो देखे सरग उपल्ला बरस ही कही के आस में। कत्को मन सब प्राण त्यागे पानी बिना प्यास में। बारह साल के दुकाल पर गे राजा जनक के राज में। राजा जनक है तो न राजमहल में सोए सोए गुना थे सोचा थे कि अब का होही मोर प्रजा मन के कह के। अधरत्या के बेरा में महाराज जनक है तो सपना देखे कि ये राजा जनक तय सोए हवा सुख में। निकल के तो देख तो जनता परे है दुख में। जब तक ले अपन हाथ में नहीं करबे खेती किसानी तब तक ले तोर राज में नहीं बरसे पानी। खोद बिहनिया राजा जनक सब जनता ला बलाइस। रथिया के सपना ला सबो झन ला सुनाइस। नांगर बैला धर के भैया सकलाइन सबो किसान। डोली डहर रेंगे लागिन लईका बुढ़वा जवान। खान में नांगर बोहे राजा हाथ में धरे तुतारी। जोड़ी बैला रेंगे संग में मगन हो गए नर नारी। खेत में जाके राजा जनक पहली धरी सरिया। तेकर पाछो गांव भर के रेंगाई सबो नगरिया। वत के बेरा बादर गर्जिस रिमझिम गिरिस पानी। बटकी में बासी मलिया में चटनी धर के आगे सुनैना रानी। पानी के बरसे में भैया सबो के मन हरिया गे। सबो नगरिया गाइन ददरिया सबके प्यास बुझा गे। फिर का होइगा राजा जनक के नांगर में फंस के निकली से एक ठन हड़िया। अब वो हड़िया ला देखे बर शकला गे सबो नगरिया। तो कोनो कहा ये मा पैसा हो ही कोनो कहा सोना। सबके हिस्सा लगे है बरोबर बांटा होना। लालच के मारे भैया सबके मन हडोले। सबके आगुम राजा जनक ढकना ला खोले। सोना नो है चांदी नो है वो तो आए हीरा जी। और हीरा के अंजोर में भगा गे सबके पीरा जी। हड़िया भीतरी 9 महीना के लड़का सुंदर हंसा थे। मगन होके राजा जनक बीच खेत में नाचा थे। शीतल हवा चलत रहे लड़का के नाम धर दिन सीता। और जनक के बेटी जानकी तुर बन ही रामायण गीता। आज वही सीता है जेकर चरित्र है पूरा संसार में फैले हवे। जेकर सतीत्व के सामने रावण जैसे द्रोही ला भी झुकना पड़े। सच बात है रामायण पढ़ लेना पर्याप्त तो नहीं है बल्कि राम जी के और सीता जी के चरित्र ला अपन जीवन में उतारना जरूरी है। भैया घर में रामायण घर में पोथी घर में पुराण गीता जी। अरे घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी। पोथी पढ़ विद्वान बने कोरा ज्ञान का काम के। शेर भर पंडिताई ले बढ़ के रति भर सेवा दाम के। करम धर्म सबला सीखो यो तोर करम है रीता जी। घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी। तो घर के देवी देवता ला छोड़ के पथरा करा दोनों हाथ ला जोड़ के का कही थन हमन। तुम्हें माता चा पिता तुम्हें पथरा के आगू में पाठ करे। जन्म देवैया माता पिता से कभी ना मीठा बात करे। सुख शांति पथरा कर मांगे दंडवत नमस्कार करे। और माता पिता पर श्रद्धा नहीं है कड़वा रूखा व्यवहार करे। अपने पाँव में टंगिया मार के जगत में कराए फधीता जी। अरे घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी। अभी घलो मौका है भाई तय कान खोल के सुन। बिहनिया के भटक गे ते हल लहूर जा संझा कुन। कृष्ण बलराम साखी है और गवाही है राम सीता जी। घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी। देवता है माता पिता जी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जनक दुलारी राजकुमारी जनक दुलारी राजकुमारी जन्म लेके आगे रे। ये जन्म लेके आगे रे भाग जागे रे हमरा भाग जागे रे।
जागे रे हमरा भाग जागे रे। जनक दुलारी राजकुमारी, जनक दुलारी राजकुमारी, जन्म लेके आगे रे हे जन्म लेके आगे रे, भाग जागे रे हमरा भाग जागे रे, भाग जागे रे हमरा भाग जागे रे। चारों फुट लाली पंदे गोबर दे गैया गोबर दे, चारों फुट लाली पंदे चारों मुड़ा दिया बारंदे, सुंदर चौंट पूरा वंदे चारों मुड़ा दिया बारंदे, सुंदर चौंट पूरा वंदे। सिया के सुंदर रूप माँ, सिया के सुंदर रूप माँ, चंदा रानी ल जागे रे चंदा रानी ल जागे रे, भाग जागे रे हमरा भाग जागे रे, भाग जागे रे हमरा भाग जागे रे। जनक दुलारी राजकुमारी, जनक दुलारी राजकुमारी, जन्म लेके आगे रे ये जन्म लेके आगे रे, भाग जागे रे हमरा भाग जागे रे, भाग जागे रे हमरा भाग जागे रे। सुंदर जोड़ी राम सिया के सुंदर जोड़ी, चंदाला जैसे लगे चकोरी, चंदाला जैसे लगे चकोरी। जनकपुरी के गली गली माँ, जनकपुरी के गली गली माँ, बाजा बाजे रे राजा बाजा बाजे रे, भाग जागे रे हमरा भाग जागे 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 रे। सियावर रामचंद्र की जय, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा। आदिशक्ति जगदम्बा भवानी माँ सीता लपा के आज राजा जी गदगद हो गए हैं। और सच बात है, जनक जनक काला कथे जो निरंतर जन कल्याण में लगे है तौने ल जनक कहे जाते, जो जप तप योग साधना करते तौने ल जनक कहे जाते। और जेकर जिंदगी में जप तप योग साधना है भक्ति है तौने तो ये सीता रूपी शक्ति ल पाही भैया, ये सीता रूपी शक्ति ल पाए वर है तो पिता जनक बनो है ना। महाराज जनक जी कौन है तो राजा जनक जी सीता जी के पिता जी है। अब महाराज जनक जी क्या पीता है तो दुख पीता है, दर्द पीता है, जब तप योग साधना करते हुए जीता है, हमेशा दूसरों के लिए जीता है, उसके घर में सीता है। आज भी इस कलयुग में बहुत पीता है, लेकिन आज की पीता सिर्फ पीता नहीं है बल्कि खाता पीता है। और क्या क्या खाता पीता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अरे तू कैसे पीता है
दूसरों के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए ही जीता है, जिंदगी भर रोगी बन के जीता है, इसलिए तेरे घर में सीता नहीं बल्कि तेरे घर तो पूरा रीता है। तो पिता बनना है तो जनक जैसे पिता बनो भैया, ताकि एक सीता की प्राप्ति हो सके। कहे घलो है, नेव बने होते तो मकान बने होते, मेड़ बने होते तो धान बने होते, माता पिता बने होते तो संतान बने होते, और प्रजा राजा बने होते तो प्रजा गुणवान होते। महाराज जनक जी बड़ा गुणवान है, बड़ा ज्ञानी है, और जैसने राजा ज्ञानी है वैसने होकर प्रजा मन घलो ज्ञानी और गुणवान है। एक दिन राजा जनक अपन एक नौकर लगे थे, भैया ये ले 3 रुपया ले जाओ, जा तो बाजार ले 4 सामान लेके आ के हिस। का सामान मंगे इस महाराज जनक जी है, तो 3 रुपया दिए, सब कथे 1 रुपया में अब लावे, 1 रुपया में तब लावे, 1 रुपया में अब न तब लागे, और फोकट में सब लावे कहिस। नौकर घलो बुद्धिमान रहिस, 3 रुपया ले धरी सब चल दिस बाजार, 1 रुपया में अब लेस, 1 रुपया में तब लेस, 1 रुपया में अब न तब लेस, और फोकट में सब लेस। आगे महाराज जनक करा, ए दे राजा जी 3 रुपया में तुहर मंगाए 4 सामान लमाए लाने हो कहिस। तो 1 रुपया में अब काला लाने रहे जलेबी ला, इले अभी खा महाराज नहीं तो खराब हो जाही बाद में कहिस। 1 रुपया में तब एक झन साधु दे दे महाराज 1 रुपया ला, वो तब मिल ही बाद में मिल ही। अब 1 रुपया की अब न तब, एक जगह नाचनी नाचत रहीस महाराज, 1 रुपया ला उहिल दे परे वो अब के होइस न तब के। अब फोकट में सब, तो एक झन किसान है तो माटी मत आवत रहे भाड़ी उठाए बर, तो एक लोंदी माटी ला नौकर है तो लाने रहे, ये दे राजा जी फोकट में सब के। सच बात है, ये दुनिया में जतका दिखाई देवत है सब पानी और माटी के पिंड भैया, एकर छोड़ कुछ चुनो है। ऐसन ज्ञानी रही से महाराज जनक जी है। महाराज जनक जी गदगद हो गए अपन एक नौकर के बुद्धिमानी ला देख के, एक सेवक के बुद्धिमानी ला देख करके। माता सीता ला का कहे जाते, तो ये सीता जी है तुम धरती से प्रकट हो है, ओकरे से ते सीता के महिमा अपार है कहे जाते। महिमा मही धनमा, जैसे दूध ल जमावे त दही बनते, दही ल बिलोवे त मही बनते, और मही से का निकलते घी निकलते शक्ति निकलते, वैसे ये धरती की एक नाम मही है, और ये मही नाम धरती ल महाराज जनक जी है तन मथन करे हल के द्वारा, तब ये सीता रूपी शक्ति ल प्राप्त करे भैया। राजा जनक जी है तन सीता ल अपन हृदय से लगा है, गदगद मन से कहा थे कि बेटी सचमुच में तय तो कचरा में पैदा होए हस, लेकिन कचरा नहीं तय तो हीरस, तोर अंजोर है तोर प्रकाश है, संसार भर में फैल जाहे। राजा जनक है तो सीता ला पाहे, मगन हो के नाचा थे और सुंदर गीत गावा थे। कचरा नो घसते हीरा यस्मार, हीरा यस्मार। कचरा नु घसतें, कचरा नु घसतें हीरा यस्मार, जाहिरा जगमा कर दे अंजो, कचरा नु घसतें हीरा यस्मार,
रही। देवी देवता मन तोर चारो मुड़ा घूमे, देवी देवता मन तोर चारो मुड़ा घूमे। सुंदर फूले रही बे सुंदर फूले रही बे सुंदर फूले रही बे बन के तय चको परही तो लवो बेटे मन महा सत रे वो मन महा सत रे वो मन महा सत रे वो कतको दुख परही तो लवो बेटे मन महा सत रे वो मन महा सत रे वो मन महा सत रे वो दाई दादा के तय आँखी के तारा अंगना मना चत रे वो अंगना मना चत रे वो अंगना मना चत रे वो दाई दादा के तय आँखी के तारा अंगना मना चत रे वो अंगना मना चत रे वो अंगना मना चत रे वो नारी धर्म लबांधे रही वे नारी धर्म लबांधे रही वे अचरा के छार कचरा नो हसते 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 हीरा यस्मार जाहिरा जगमा कर ले अंजो जाहिरा जगमा कर ले अंजो जाहिरा जगमा कर ले अंजो सियावर रामचंद्र की जय। आज महाराज जनक जी बड़ा गदगद है माता सीता ला पाके, लेकिन बड़ा दुख की बात है आज कलयुग में काकरो घर बेटी जन्म लेके आ जाते तो माता पिता के मन उदास हो जाते, बेटी ला बद्दुआ समझते, बेटी ला अपन अभाग समझ करके कोसते। पर राजा जनक कथन नहीं, बेटी बेटा लेके समझाओ मया करो दोनों बर, और छत्तीसगढ़ के रहैया हो मैं कहत हूँ सबो बर। अरे कुल के नाम ल जगाए बर हो ही तो बेटा छ नहीं बेटी घलो जगा दी ही, जैसे माता सीता जगा दिस। और कुल के नाम ल बोरे बर हो ही तो एक झन बेटा ल कौन कहे, सौ झन रही तोनो मन बोर दी जैसे कौरो मन बोर दिन। पर ये हमर मन के ना समझिए कि हम बेटी ला जीरो समझथन और बेटा ला हीरो समझथन। अरे बेटी ला तो बेटा ले ज्यादा दर्जा देना चाहिए भाई, क्या बर बेटा तो एक ही कुल्ला तार थे एक ही कुल्ला उबार थे, लेकिन बेटी तो दोनों कुल्ला तार थे उबार थे। बेटा है बल्कि नाम कटवा थे और बेटी है नाम जड़वा थे, तो जिन है नाम कटवा थे तेला हमन हीरो समझथन, और जिन है नाम जुड़वा थे बेटी ओला कुछ नहीं समझन जीरो समझथन। बुढ़ापा अवस्था आ गए चुंदी पाक गे आँखी पतरा गे कान भैरा गे, तहन बेटा का कथे दादा
अब तोर बुढ़ापा आगेगा, कतका बेरा तय ढलंग जबे तेकर कोई ठिकाना नहीं है। तो तोर नाम में जतेक जमी जायदाद संपत्ति है ओला कटवा के मोर नाम में कर दे कहत। तो ये नाम कटवावत तेन है हीरो है। अब बेटी है नाम जोड़वा थे मैहर में है तब काकर बेटिएगा, तो फलाना मंडल के बेटिएगा। ससुराल चल दी तब ससुराल में घलो अपन पिता के नाम ला जोड़वा थे, दोनों कुल ला उजागर करते। ऐसन अनमोल रतन बेटी है, घर के शोभा बेटी है, गांव के शोभा बेटी है, समाज के शोभा बेटी है, राष्ट्र के शोभा बेटी है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्रकार के सुख ला देने वाली आदि शक्ति है बेटी है। फिर भी हमन ये बेटी ला बद्दुआ गृहिणी सेविका दासी भोग्या के सामग्री खिलौना बना के रख देन, ओकर मान मर्यादा ल कुचल के रख देन। प्राचीन इतिहास ल खोल के देखो भाई, नारी ला सब देवी समझ के सम्मान करीन आदर करीन वाला ऊंचा सिंहासन दीन। अब आज हम वो बेटी की मर्यादा ला वो बेटी के सम्मान ला कुचल के रख देन। वास्तव में आज दुनिया में अशांति फैले है तेकर यही कारण है, समाज में समस्या फैले है तेकर यही कारण है। जिंदगी की समस्या है कैसे में हल हो ही विचार करके देखो। जर अगर कमजोर है तब फर कतेक सबल हो ही, बाप अगर लाचार है तब बेटा में कतेक बल हो ही, माता अगर निर्बल है तब संतान कतेक सबल हो ही। अरे जिंदगी की समस्या है कैसे में हल हो ही। पहले समय बेटी ला देवी जान के सब पूजा करें, पहले समय नारी ला देवी जान के सब पूजा करें, तेकर प्रसादे देवता दानव मन सुख पाइन फुलिन फरिन। लेकिन आज आज कलयुग में नारी के पूजा नहीं होते बल्कि पूजा ही होते, बिचारी मन सुसक सुसक के रोवत। ये दहेज के दानव मन रावण ले कंस ले दुर्योधन ले कम है के था, जिंदा जला देवत है फांसी में लटका देवत है जहर पिला देवत है मरे पर विवश लाचार कर देवत है बिचारी मल्ला। अब तो खोज खोज के समाज में फैले हुए ये आतंकवादी मल्ला भगाना पड़ी, तभे समाज में सुख और शांति है तो अनछाही। अरे जैन नारी के दूध लपी के सरी दुनिया है पल थे, जैन महतारी के कोरा में सब लड़का बन के मचल थे, ऐसा नारी के त्याग और तपस्या ल तो जाना, ममता के मूर्ति वो महतारी ल तो माना। नारी के हृदय कोई मंदिर से कम नहीं है, डुबकैया लगा के देख तो रे बावला समंदर से कम नहीं है। यही बात ला सोचे समझे के सबो में अकल हो ही, यही बात ला सोचे समझे के सबो में अकल हो ही। रावण के और कंस के नकल ला छोड़ के राम और श्याम के नकल हो ही, तौने दिन ले समाज के समस्या के हल हो ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सच बात है आज भी हम नादान हन भूले हुए हन, सब जन कही थन हमर घर बेटा छोए, हर गांव वाला मन कथे हमर घर बेटा छोए, काकरो घर बेटी हो जाते तो मुँह उतर जते होकर। अरे भाई सोचे के बात है सब घर बेटा बेटा हो जही, तब बर बिहाव कर एक दिन में कैसे करबो। कोनो गांव में लड़की खोजे पर जाबो तुम्हार गांव में बेटी है नहीं गा, अरे यहाँ तो नहीं है गा। तो दुनिया भर बेटा बेटा रही तो फिर का हो ही ये सृष्टि के संसार के प्रलय हो जही। बेटी है तब ये दुनिया है वो हम सब हन, और बेटी नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है भैया। तेकर सिटी ना समझी ला छोड़ो, समझदारी लाना और नारी के सम्मान करो, नारी के प्रति भला मान ला बढ़ाओ। आज महाराज जनक जी है तौन माता सीता ला कथे कि हे बेटी भविष्य में तोर नाम ऊंचा हो ही उज्जवल हो ही, अतोर नाम के द्वारा हमरो मन की यश कीर्ति दुनिया में फैल जही। ऐसे के महाराज जनक जी गदगद है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।